नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके धर्म टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही लाभ देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटर यानी यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन हो चुका है धीरे धीरे, जो कि अभी बहुत ही 15 दिन में पूरी कॉपी जचने का आदेश दिया गया था, तो वो काफ़ी जच चुकी। तो इस तरह से रिजल्ट निकलने की आशा जो है वो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा जल्द ही। ये अभी तो न्यूज़पेपर या हर जगह ये सूचित किया जा रहा है कि आपका रिजल्ट लगभग इस अंतिम महीने में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब अप्रैल महीने में आपका ये लास्ट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अप्रैल में आपको वेट करना पड़ेगा और अपना रिजल्ट देखना है। जैसा कि पहले की जो रिजल्ट थे, जैसे कि 2013 से देखा जाए, 2013 और 14, 2015, 16, 17, 18, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा बात नहीं, क्योंकि जो भी कापियाँ जची हुई हैं उन कापियों को मूल्यांकन करने में बहुत ही अच्छी तरह से मूल्यांकन किया गया है। और एक बात ये बता रहा है कि आपकी बार रजिस्ट्रेशन जो आपका हुआ था बच्चों का, वो लगभग आपका 3,62,00,000 के आसपास हुआ था। और ये हाई स्कूल का 3 करोड़ हाई स्कूल था और 2 करोड़ आपका इंटर का था, जिसमें से आपके 6 लाख हाई स्कूल के स्टूडेंट छोड़ दिए और इंटर के वही 3-4 लाख उसमें भी छोड़ दिए। तो इस तरह से काफ़ी स्टूडेंटों ने छोड़ा, कुछ तो पहले ही दिन शासन प्रशासन को देखते हुए छोड़ दिए, कुछ तो बाद में छोड़े, जैसा कि देखे कि रिजल्ट बहुत ही ख़राब आएगा हमारा, इसलिए छोड़ दिए। तो इस तरह से रिजल्ट जो है आपका अच्छा आएगा, ये मत सोचिएगा कि अच्छा नहीं आएगा, आप बस विश्वास बनेगा कि रिजल्ट आपका जिसने कापी लिखी है और जिसने भी अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और कापियों को अच्छे से लिखा है, कहने का मतलब उसमें उसकी लिखावट, राइटिंग या भी सारे प्रश्नों का उत्तर अगर अच्छे से दे करके आया है, ये आप सोचिए कि अगर आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपको नंबर अवश्य मिलेगा, बस आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो भी इसमें सोच में पड़े हो कि हम फेल हो सकते हैं, फेल नहीं होंगे, चिंता मत करिए, फेल नहीं होंगे। हाँ, तो कापी जच रही थी, कुछ जो जांचने वाले ये बता रहे थे कि इतनी कापी जची और इतनी कापी जचने के बाद इसमें इतने बच्चे फेल हो गए हैं, पर रिजल्ट आएगा। अभी जैसा कि हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे बताएंगे, तो हम बता दे रहे हैं वैसे ही रिजल्ट आपका हर साल की अपेक्षा अधिक है। मान के चलिए गर्ल्स का आपका मैक्सिमम 80 के क्रॉस ही आएगा और बॉयज़ का भी 80 के इर्द गिर्द आ जाएगा, इतना रिजल्ट तो आना ही है आपका। और इसके पहले भी यही होता था, इसे कम नंबर आना था, लेकिन इस बार भी आएगा, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा रिजल्ट। और एक बात, रही बात अब हम बताते हैं आपको कि आपको क्या करना है, बस धैर्य रखना है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। आपका रिजल्ट बस अप्रैल के लास्ट महीने में आ जाएगा, वो अप्रैल के लास्ट डेट तक आपको आ जाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना रिजल्ट देखना है और उसके बाद आगे पढ़ाई की तैयारी करना है। तो अब इतना परेशान मत होइए, आपको अपने जो आगे पढ़ना है, जो भी तैयारी करनी है, उसको आपको उसका तैयारी रखना है। जैसे आपको हाई स्कूल की है तो इंटर करना है, तो इंटर के सारे जो भी चीज़ें आपको इंटर में जैसे पढ़ना हो, जैसे आपको जो कुछ भी करना हो, जहाँ भी जैसा आपका मन लगे, अगर जिसको डॉक्टरी पढ़ना हो, जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना हो, जिसको कुछ भी आपको मान लीजिए व्यावसायिक पढ़ना हो, जो कुछ पढ़ना हो अपने हिसाब से अभी से चयन कर ले, पास तो होंगे, चिंता मत करिए, पास होना है। और उसके बाद आपको हम आपको मोटिवेशनल एक वीडियो देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हाई स्कूल और इंटर में आपको हाई स्कूल इंटर के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सब्जेक्ट इंटर के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, क्या आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या पढ़ने पे क्या मिलेगा, क्या आपको डिप्लोमा या का आप कौन सा कोर्स करेंगे, कौन सा मस्ट है, कौन सा अच्छा है आपके आगे के लिए, या कौन सा आपके नौकरी के लिए है, वो आपको वीडियो देंगे। बस ये तो छोटा सा वीडियो था कि आपको हम हाई स्कूल की वो परीक्षा की रिजल्ट की डेट को हम बता दें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब ये ध्यान में रखिए कि चिंता दूर कर दीजिए।
और दूसरी वीडियो के लिए अभी आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको मोटिवेशनल वीडियो, बस जल्द ही नेक्स्ट वीडियो वही डाल रहे हैं कि आपको हाई स्कूल और इंटर के बाद क्या करना है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे। आशा करते वीडियो अच्छा लगा और अपने वीडियो को, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है धरोली टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड एंटरटेन चैनल। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए पढ़ाई संबंधी, RRB और SSC संबंधी या मैथ संबंधी या कोई भी वीडियो, आप लिस्ट में जाकर देखिए। अभी परीक्षा की तैयारी हो रही थी, हम दे रहे थे उसका तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं। ध्यान वैसे देख रहे होंगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लास हाई स्कूल लेवल की जो होते हैं, यानी जो आपकी रेलवे माने वाली, उसकी क्लास चला रहे हैं। आप उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो लाभ हन पर सत्ता बट्टा संख्या पद सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। और साथ साथ GS की भी डाल रहे हैं, विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए अपने संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।